प्रताप लाल भील। सभापति महोदय आपका धन्यवाद। मांग संख्या 52 पंचायती राज, मांग संख्या 53 ग्रामीण विकास। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 4 पंचायत समिति लगती है, सायरा, गोगुंदा, कोटड़ा एवं बड़गांव। कोटड़ा पंचायत समिति में लगभग 66 ग्राम पंचायतें हैं और पंचायती राज का जब पुनर्गठन होने जा रहा था तो हमने देवड़ा अलग से पंचायत समिति बनाने के प्रस्ताव सरकार को भेजे थे और राजनीतिक व्यवस्था के कारण वो हमारी पंचायत समिति नहीं बन सकी थी। और मैं सरकार से मांग करूंगा कि वहां पर पंचायत समिति बनाई जावे और कोटड़ा में मामेर एक जो हमारा है उसमें भी अलग से एक पंचायत समिति बनाई जावे। और प्रधानमंत्री आवास में सर्वे हो गया, सर्वे होने के बाद में जो सर्वे करने वाला था उसने कोई भेदभाव होने से कुछ हमारे भाई वंचित रह गए, तो मैं सरकार से मांग करूंगा कि इस पे भी अलग से सर्वे करा करके जो वंचित परिवार है उनको इनसे जोड़ा जाए। उसके अलावा एक बीपीएल योजना 2002 में हमने सर्वे करवाया था और 2005 में जाकर के इसको हमने लागू किया था, लेकिन लगभग 18 वर्ष पूरे हो गए और अभी तक वो सर्वे अभी वापस सरकार ने करवाई नहीं है। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि बीपीएल की नई सर्वे करा करके जो वंचित परिवार है उनको लाभ दिया जावे। बाकी हमारा जो पंचायत समिति सदस्य है या जिला परिषद सदस्य है चुनाव के समय में उनसे चुनाव करवा देते हैं और उनका केवल मात्र प्रधान बनना या जिला प्रमुख बनना वहां तक ही रहता है, उसके बाद में इन सदस्यों को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। तो मैं सरकार से मांग करूंगा कि इनके लिए भी अलग से कोई ऐसा प्रावधान करे ताकि उनको अधिकार मिल सके। उसके अलावा सारा का भूमि पर वर्षों से हमारे कई बस्तियां वहां बसी हुई है और उनको जो प्रधानमंत्री आवास हो या जो भी सरकार की तरफ से जो भी योजना है और उनके पास में पट्टा नहीं होने से वो वंचित रहते हैं। तो सरकार से मांग करूंगा कि जो पूर्व में हम शक्ति पूर्ति करके उनको पट्टा देने की योजना थी तो अभी वर्तमान में इस योजना को शायद बंद कर दिया है। तो सरकार से मैं मांग करूंगा कि जो चारागाह भूमि पर हमारे जो बस्तियां बसी हुई है उनको आबादी पट्टे जारी किए जाए। बाकी एक हमारे जो जनजाति क्षेत्र है और वन विभाग में जो भी हमारे बस्तियां बसी हुई है उनको सरकार की ओर से वन अधिकार के पट्टे दिए जाते हैं। अभी मैंने आपके जो शिविर लगे थे सर तो उसमें बहुत सारे वन अधिकार के आवेदन आए थे। आवेदन आने के बाद में अभी तक कोटड़ा पंचायत समिति में लगभग 5000 आपके आवेदन पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनको किसी प्रकार का कोई वन अधिकार दिए गए नहीं है। तो सरकार से मैं मांग करूंगा कि वन अधिकार के पट्टे भी जारी किए जावे। उसके अलावा जो हमारे सामुदायिक वन अधिकार है जैसे कोई विद्यालय वन विभाग में बना हुआ है, कोई आंगनबाड़ी है या और भी जो उस गांव के विकास के लिए जो भी जरूरत पड़ती है तो उसके लिए भी हमें ये सामुदायिक पट्टे दिए नहीं है। तो मैं सरकार से मांग करूंगा कि ये वन अधिकार के पट्टे दिए जावे। उसके अलावा हमारे टीएसपी क्षेत्र में हमने विद्यालय भी खोल दिए, क्रमोन्नत भी कर दिए, लेकिन आज की तारीख में बहुत पुराने कम से कम 15-20 साल से जो भवन विद्यालय के बड़े उसमें ही आपके 12वीं का है 10वीं का विद्यालय चल रहा है। तो मैं सरकार से मांग करूंगा कि हमारे यहाँ पर अलग से विशेष व्यवस्था करके ये जो भवन रहित है उनको भवन के लिए राशि दी जाए और जो विद्यालय हमने क्रमोन्नत किए वर्तमान में वहाँ पर मैंने पता किया कि वहाँ पर जो हमारा जो स्टाफ है अभी तक वहाँ पर स्वीकृत नहीं है, आसपास के जो विद्यालय हैं उनसे वहाँ पर उधार में ला करके उन विद्यालयों को संचालित किया जा रहा है। तो सरकार से मांग करूँगा कि इस पर भी अपन को ध्यान देने की जरूरत है। उसके अलावा 2018 में अतिवृष्टि में मेरे विधानसभा में बहुत सारे पुल और सड़कें टूट गई थी,
लेकिन लंबे समय से अभी तक भी उन पुल और सड़कों को निर्माण नहीं किया गया, तो मैं सरकार से मांग करूंगा कि उसको भी वापस ठीक किए जावे। और टीएसपी क्षेत्र की 2011 की जनगणना में प्रधानमंत्री सड़क योजना जो गांव वंचित है उन गांवों को सड़क से जोड़ने की कार्रवाई की जावे। इसके अलावा आपके 2006-07 में अपन ने विद्यार्थी मित्रों को नियमित नहीं किया लगाए गए थे, और लगभग उसमें से 6,500 विद्यार्थी मित्र अपने वंचित रह गए, तो सरकार से मैं मांग करूंगा कि उनको भी नियमन करने की कोई कार्रवाई विशेष करे। उसके अलावा महात्मा गांधी नरेगा योजना में पूर्व में अब व्यक्तिगत आपके जो कुएं खोदने का योजना थी वो सरकार ने बंद की है, तो मैं सरकार से मांग करूंगा कि ये व्यक्तिगत कुएं खोदने की स्वीकृति जारी की जाए। उसके अलावा अभी अपने स्वच्छ भारत मिशन में प्रत्येक गांव में एक सामुदायिक अपने शौचालय बनाए, शौचालय तो बन गए लेकिन अभी तक उनका कोई रख रखाव या देख रेख नहीं हो रही है, तो सरकार से मैं मांग करूंगा कि उसके तरफ भी ध्यान दिया जावे। उसके अलावा टीएसपी क्षेत्र में जो किसान हैं उनकी जो खेत हैं वो छोटे छोटे हैं, तो सरकार से मैं मांग करूंगा कि टीएसपी क्षेत्र में जो किसान है उनको सिंगल फेस के कृषि के कनेक्शन दिए जावे, ये इसमें व्यवस्था की जावे। खाद्य सुरक्षा से जो वंचित परिवार है उनको भी इसमें जोड़ा जावे। बाकी विधायक पद के निधि है वो समय पर हमको नहीं दी जाती है, लगभग 2018-19-20 की भी अभी तक हमारे को किस्तें नहीं दी गई, तो सरकार से मैं मांग करूंगा कि इसकी तरफ भी ध्यान दिया जावे। धन्यवाद। जय भारत। श्री सिंह अमलोड़ा।